वायरस को लेकर जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू लगा हुआ था, वहीं देर रात जिले के अलग अलग क्षेत्रों में अफवाहों का सिलसिला सोशल मीडिया पर। कुछ शरारती तत्वों द्वारा चलाए गए फर्जी अफवाहों से घरों में सो रहे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पुलिस को इस तरह की अफवाह की सूचना मिली तो रात में ही पुलिस द्वारा गश्त किया गया और घर के बाहर खड़े लोगों को इस अफवाह के चक्कर में न पड़ने को लेकर वापस घर भेजने की गुजारिश कर दी। दरअसल कल देश भर में जनता कर्फ्यू लगने के बाद देर रात जब लोग अपने घर के अंदर सो रहे थे, तभी बिजनौर के जनपद में कई ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल मीडिया पर कुछ शरारती तत्वों ने अफवाह फैलाई कि गांव में एक ही परिवार में सो रहे कुछ लोग मर गए हैं, आप सभी लोग अपने घर से बाहर निकल जाएं। इस तरह की फर्जी आवाज से जनता में हड़कंप मच गया। नगर व कस्बों के कई लोग अपने घरों से बाहर आकर सड़कों पर निकल आए। फर्जी अफवाह की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर घरों पर वापस भेजा। रिपोर्ट रोहित कुमार, बिजनौर, यूपी। आपने 8 लोगों को पकड़ा है, क्या है पूरा मामला, जेल भेजा जा रहा है? ये रात में कंट्रोल रूम को, यूपी 112 को और वरिष्ठ अधिकारियों को फ़ोन करके अफवाह फैलाई जा रही थी कि बिजनौर में लोग, जो लोग सो रहे हैं सुबह उठ रहे हैं तो उनकी मृत्यु हो जा रही है, कोई जिंदा नहीं उठ रहा है। इस बात को लेके तमाम तरह का अफवाहें फैलाई गई, लोगों में भय का माहौल पैदा हुआ, जिसके कारण रात में ही टीमें लगा करके इन अफवाह फैलाने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभी कुछ और लोगों को भी गिरफ्तारी हो सकती है। क्या इनको जेल भेजा जाएगा? हाँ, इनको जेल भेजा जाएगा, कानून वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, उसी के क्रम में इनको जेल भी भेजा जाएगा।